और आगरा रेलवे बहुत जल्द आगरा कैंट स्थित रेलवे हेरिटेज पार्क और रेस्टोरेंट की शुरुआत करने जा रहा है। ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक रेल के डिब्बे को रेस्टोरेंट का आकार दिया जा रहा है, यानी कि एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसके अंदर बैठकर आपको लगेगा कि आप एक रेल के अंदर बैठे हैं और इसके साथ इसमें खाने के साथ आगरा के रेलवे के इतिहास को भी आप जान सकेंगे। ये जानकारी आगरा रेलवे अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने साझा की है। आगरा मंडल में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेलवे हेरिटेज पार्क और कोच रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। इसको मई में शुरू होना था लेकिन आने वाले एक से दो महीने में ये शुरू हो जाएगा और इसका कार्य अब तेज़ी से किया जा रहा है और प्लांटेशन वगैरह और पार्क को बनाने का कार्य गर्मी ख़त्म होते होते तक ये पूरा हो जाएगा। इसकी विशेषता ये है कि अन्य मंडलों में भी रेल कोच रेस्टोरेंट बनाए गए हैं लेकिन आगरा का रेल कोच रेस्टोरेंट अपने आप में सबसे अलग है क्योंकि ये एक रेलवे हेरिटेज पार्क के बीच में स्थित किया जा रहा है। रेलवे हेरिटेज पार्क रेलवे की हिस्ट्री और हेरिटेज को डिस्प्ले करने वाला एक ओपन एयर म्यूजियम होगा जिसमें रेलवे के पुराने उपकरण, सिग्नल, लाइटिंग, लैंप वगैरह को भी प्रदर्शित किया जाएगा और ये लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम। आगरा रेलवे ने दिन पर दिन जो चीज़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और चीज़ों में जो बदलाव देखे जा रहे हैं वो अपने आप में वाकई ही काबिले तारीफ है। इस वक्त मैं आगरा कैंट के आसपास खड़ा हुआ हूँ। यहाँ रेलवे एक हेरिटेज पार्क और एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट की शुरुआत करने जा रहा है। रेस्टोरेंट यानी कि आगरा कैंट पे जो भी यात्री आएंगे वो आराम से एक रेस्टोरेंट में खाने का, व्यंजनों का आनंद ले पाएंगे और वो भी आनंद रेल के अंदर। जी हाँ, चलती हुई रेल के अंदर नहीं, खड़ी हुई ट्रेन के अंदर। इस वक्त मैं एक हेरिटेज पार्क के पास खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये ट्रेन का डिब्बा है। मैं कहूँगा कि वह उस ट्रेन के डिब्बे को दिखाएँ। ये चीज़ चलने वाला डिब्बा तो नहीं है लेकिन इसके अंदर बैठने का आनंद आपको ट्रेन के अंदर बैठने जैसा ही होगा। इसके अंदर आपको ये एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है जिसके अंदर आपको अच्छे अच्छे व्यंजन और अच्छे अच्छे खाने की साथ साथ रेलवे से जुड़े इतिहास की जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। तो आइए दिखाते हैं इसके अंदर क्या व्यू और बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसकी जो साख सुविधाएँ हैं वो धीमे धीमे आपको देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं कि मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है इस रेस्टोरेंट को, इस ट्रेन के डिब्बे को, और बिल्कुल एक एक अच्छे स्तर पर इसकी कार्य चल रहा है। एक इस पर बहुत अच्छी तरह से कार्य किया जा रहा है और तरह तरह की ये डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं और पूरी साख सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुछ वक्त बाद ही, बस कुछ वक्त की दूरी देरी है, इस रेस्टोरेंट के अंदर, इस ट्रेन के डिब्बे के अंदर आपको लजीज व्यंजन के साथ साथ रेलवे से जुड़ी हुई जानकारियाँ भी और रेलवे के इतिहास की जानकारियाँ भी यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी एक या दो महीने के अंदर इस रेस्टोरेंट की शुरुआत होने वाली है। आपने देखा होगा कि लग्जरी शताब्दी, कई ऐसी लग्जरी भारत की गाड़ियां हैं जहां पर इस तरह की साख सुविधाएं, इस तरह के डिज़ाइन देखने को मिलता है लेकिन एक आम इंसान के बजट के बाहर होता है। वो ज़्यादातर इतनी महंगी ट्रेनों में इस तरह का खाना और इस तरह के रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता। तो उनकी साख सुविधा को देखते हुए इस रेस्टोरेंट की शुरुआत करी जा रही है। अभी यूपी में एक या दो जगह ही इस तरह के जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं उसमें रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं रेलवे ने चालू करी है और उसके बाद ये आगरा में बनने जा रहा है और बहुत ही जल्दी डिब्बे के अंदर ये काम बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आगरा कैंट से गुजरने वाला हर यात्री इस रेस्टोरेंट में आएगा, खाने का आनंद लेगा, खाने का आनंद यहाँ का हेरिटेज पार्क की साख सुविधाएं देखेगा और रेलवे से जुड़े इतिहास के बारे में जान पाएगा। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश।